गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर खेलने में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं ग्राउंड में हूँ, तो यहाँ मैं हूँ चौकान में और यहाँ पे लगा है जैसे बम पटाखे होते हैं ना मार्केट में, तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो यहाँ कहीं पे लगाया है ये जो स्टॉल है सारे पटाखों का, बम का। और अभी हम लोग गए थे हॉस्पिटल क्योंकि आरू के एक हफ्ते पहले कान में हुई थी पेन, और उसके बाद वहाँ से मुझे दवाई दी थी, जिसके बाद इसके जो कान से वैक्स निकालना था वो दिया था, क्योंकि इसका जो खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है ना, इस वजह से कान में पेन हो रही है। और आज वैक्स वुक्स निकाल दिया, अब दवाई दी है वो डालना रेगुलर बोला है। तो बस, और अभी हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे मार्केट में जाके, दिया दुआ लेंगे और यहाँ से बम पटाखे लेंगे, और फिर मिलती हूँ मैं आपको अब थोड़ी देर में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, आज है छोटी दिवाली, तो चलिए चलते हैं। हो चुके हैं अब मार्केट के अंदर, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, कुछ ना कुछ सामान है। चलेंगे हम, चलो चलो चलो। ओ देखो हैं कपड़े वाली शॉप में सामान लेने का, दोनों बच्चे यहाँ हैं। कैसी चल रही है आरव शॉपिंग? आरव की शॉपिंग हुई? अभी नहीं लिया ना पटाखे? यहाँ पे आ गए हम जूस पीने के लिए बच्चों के साथ, तो ये पी रहा है आरू नारियल पानी, और आरव पिएगा मिक्स जूस, और ये हमारा सामान है। तो अब हमने बहुत सारा सामान ले लिया है, पटाखे भी है आरव के पास है। बस अब हमारे पटाखे रह गए हैं, बच्चों के लिए पटाखे फुलझड़ी लेने का रह गया। चलिए फटाफट से चलते हैं, क्या चलेंगे, बहुत खतरनाक, चलते हैं फटाफट से और ले लेते हैं पटाखे, उसके बाद सीधा जाएंगे घर। तो अब हम लोग आ गए मार्केट से, और अब हम लोग कर रहे हैं पटाखों फुलझड़ी की शॉपिंग। भी डैडी अनार, और ये तो यहाँ पे आ गए थे हम घर, और ये जो फ्लावर वाले डेकोरेशन, ये कैंडल दिए, बच्चों के लिए पटाखे, रूम के लिए चादर, बहुत सारा सामान लिया हमने। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट डे गाइस, ये मम्मी डेकोरेशन का बना रही है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं तोरण और फूलों की माला, जिसमें मेरी हेल्प कर रहा है अरब। हाय अरब। और ये ऊपर ना ये बेड भी डैडी ने निकाल दिया है बाहर, इसको भी सेटिंग करनी है। हमने सोचा पहले ये फूल का काम कर लेते, फूल की माला बनाने का काम। और यहाँ पे अरब जो कि कर रहा है बहुत ज़्यादा दंगा। हाँ आरू, हेलो आरू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली अरब। तो यहाँ पे बन गई है मेरी रंगोली कंप्लीट। तो ये ऐसे बनी है, तो बताना कैसी लग रही है मेरी आज की रंगोली। तो यहाँ पे कर रहा है आरव मेरी हेल्प। तो ये साइड साइड के हम और जो बाहर मैंने एक और बनाए हैं। हाँ, और मैंने दो बनाए थे, एक आरव ने खराब कर दिया, तो ये मैंने बना दिया है, और ये साइड साइड में आरव बना रहा है। तो ये हम कुछ इस टाइप से आगे तक बनाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा डेकोरेशन कर दिया है अपने घर का इस टाइप से, और यहाँ बाहर बनाई है रंगोली। तो ये एक रंगोली बनाई है इस तरफ, और ये आरव ने बनाई है, और एक ये वाली बनाई है। तो यहाँ पे हमने इस टाइप से लाइटिंग लगाई है आरव और मैंने, तो मैं लाइटिंग ओपन कर देती हूँ। ये देखिए, तो ये बेडशीट लाए थे हम कल, तो ये वही बेडशीट है। और यहाँ पे आरव ने किया है ये डेकोरेशन, यहाँ भी रंगोली बना लिया छोटी सी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट डे एंड सेम ब्लॉग, तो कल का ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है, कल आने के बाद मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, और थोड़ा बहुत सफाई सफाई में लग गई थी मैं। तो यहाँ पे देखिए पीछे ये आरव ने थोड़ा सा लाइटिंग सी कर दी है, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाई थोड़ी देर पहले। तो टाइम हो चुका है 7 बजे का, और मैं बनाने गई थी खाना, और मम्मी कर रहे हैं सारे जो मंदिर का जो भी सेटिंग है वो मम्मी कर रहे हैं, और आरव बाहर ही है, और आरू अभी सो रहा है, वो ना दिन भर नहीं सोया, तो अभी आ गई उसको नींद, और अब वो सो चुका है। तो कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसे मना रहे हैं आप लोग
दिवाली, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये सिंपल सूट पहन लिया है मैंने और इसके ऊपर ये वाला दुपट्टा पहन लिया है जिससे कि हैवी लुक आए, और हल्का सा मेकअप कर लिया है, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर और ये स्टाइल बना लिया है, जूड़ा बना लिया है। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये देखिए आरव ने यहाँ पे पूरे बम पटाखे का पूरा लाइटिंग लगा दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माता के भोग के लिए बन रही है गरम गरम खीर। ये दिए में तेल डाल दिया है मम्मी ने, सारी तैयारी यहाँ पे कर दी है। ये देखिए ये लाइटिंग भी लगा दी है हमने। हैप्पी दिवाली आरू शारा, हैप्पी दिवाली डैडी। चारों तरफ उजाला ही उजाला। ये देखिए देखिए आ जा रहा आगे, लगा लगा सही है ना सीधा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लक्ष्मी जी की पूजा है वो कर ली है, दिवाली की जो पूजा है वो हो चुकी है। अब सारी जगह दिया बत्ती सब कुछ रख दिया है, प्रसाद भी खा लिया है। अब मैं जाती हूँ किचन में, पहले बना लेती हूँ खाना, उसके बाद फुलझड़ी भी जलानी है, अनार भी जलाना है। और ये दिया ना मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए लाई थी, और इंस्टाग्राम में खूब सारी रील बनाऊँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए बना लेते हैं रील्स और फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो मैं मिली हूँ आपको किचन में। मैं बना रही हूँ पनीर और मटर पनीर की सब्जी, सिंपल सी बनाऊँगी। खीर मेरी बन चुकी है, बस मुझे आटा गूंदना है, और मैं देखती हूँ रोटी बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को खांसी हो रही है। और अभी ना आलू ने इतना ज़्यादा मीठा खा लिया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अभी तक एक भी फुलझड़ी नहीं जलाई है। मैं सोची पहले खाना बना लेती हूँ उसके बाद फुलझड़ी जलाऊँगी। तो बस सब लोग हैं यहाँ पे, बस मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो उनसे अभी वीडियो कॉल में बात हुई थी। उनको जो पूजा है वो सारे माथा टेक लिया है उन्होंने, और उनको उनके साथ सारी शेयरिंग कर रही हूँ मैं सुबह से, हमने क्या बनाया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ। मिस यू माई डियर हस्बैंड, लव यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली। यहाँ पे हैं मम्मी डैडी बच्चे, और देखो कि बच्चे गए हैं हमारे पड़ोस में जो हमारी देवरानी और हैं, यानी कि हमारी माई जो है ना उनके घर। तो मैं भी जा रही हूँ थोड़े से थाली में चॉकलेट्स और ये खीर और जो भी खीर पतासे वाली मिठाई होती है ना वो मैंने डाल दिया है। फटाफट से चलते हैं, उनको हैप्पी दिवाली बोल के आते हैं और बच्चों को घर लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं। माता का इधर चिंगारी, यहाँ पे हमारा पिनाक है। हैप्पी दिवाली, 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 मिठाई के साथ। तो ये है पानी वाले दिए, और यहाँ पे ये जो मेरी जो देवरानी है ना उन्होंने बनाया है ये वाला, अच्छा लग रहा है। फिर अब फिर दिखाओ और देखो कैसा बम फोड़ रहा है वो, देखो अभी देखना नीचे फूटेगा, करो फोड़ो, चल फोड़ो, वो देखो यार के लिए अच्छा बम है, उससे हाथ जलने का भी डर नहीं रहता।
पटाखे बजा बजा के थक चुके हैं बच्चे, अब खा रहे हैं खाना। हेलो आरुष, कैसे बनाया खाना? कैसे बनाया आरव? तो आरव के पसंद की सब्जी है मटर पनीर और खीर भी और रोटी भी, है ना आरुष? तो ये है मटर पनीर, ये है खीर और आज बनाई है हमने रोटी। बच्चों को खांसी हो रही थी ना, इसे रोटी बनाई है। तो ये है आज का हमारा डिनर। A few moments later. तो खाना खा के हम फिर से आ गए हैं छत में। अब ये मेरा स्टार्ट क्रैकलिंग 25 एयर शॉट होते हैं, बहुत देर से बज रहे वाले शॉट। अब बस हम भी ये वाला शॉट बजा के चले जाएंगे रूम में। तो करते हैं दोस्तों। तो मैं मिली हूँ सीधा आपको 11 बजे। तो मैं थी किचन में, सारा कुछ काम फिनिश कर दिया, गैस साफ करना, बर्तन बुर्तन सारा कुछ हो चुका है। खाना खुना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर छत में गए थे क्योंकि बच्चों ने फिर से पटाखे फोड़ने थे। उसके बाद हम नीचे आए, फिर बच्चों के कपड़े कपड़े चेंज कराए, उनका हाथ मुँह धुलाया और उनको डैडी मम्मी के साथ सोने के लिए भेज दिया। और फिर मैं गई किचन में सारा कुछ काम, और अब आ गई हूँ मैं रूम में। अब मैं निकालूंगी अपना मेकअप, लिपस्टिक और काजल, आईलाइनर, सब कुछ। और तो मैं इसे पहले अच्छे से जॉनसन्स बेबी ऑयल से साफ करूंगी और उसके बाद फेस वॉश करूंगी। और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से भी बात करनी है थोड़ी देर, क्योंकि वो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं क्योंकि उनको सुबह फ्रेशन अप होके जाना होता है ऑफिस। होप आपको आज की वीडियो, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर ऑल। जय हिंद, जय भारत। बाय।